राहुल गांधी मानहानि केस में आज बड़े एक्शन का दिन है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक सियासी हलचल तेज है। सजा के ऐलान के 11 दिन बाद आज राहुल गांधी कोर्ट में अपील करेंगे। मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा के खिलाफ आज राहुल गांधी सूरत के सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे। निचली अदालत में मिली सजा को रद्द करने की मांग करेंगे। साथ ही अपील दायर करते हुए खुद राहुल गांधी सूरत की अदालत में मौजूद रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने सूरत में पूरी तैयारी कर ली है। राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी दिल्ली से जाएंगी। कांग्रेस के शासन वाले 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल, इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। 2 साल की सजा सुनाते वक्त मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल को 30 दिन की राहत दी थी। ये मोहलत इसलिए दी गई थी कि राहुल ऊपरी अदालत में अपील कर सके। राहुल की तरफ से अपील में देरी हुई तो बीजेपी ने सवाल उठा दिए। अब 11 दिन बाद राहुल गांधी अपील करने सूरत पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ फुल एक्शन में है और कांग्रेस इसके लिए सपोर्ट में है और संसद से लेकर सड़क तक धरना प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी पर कांग्रेस राहुल गांधी को फंसाने का आरोप भी लगा रही है। तो इस पूरे मामले में बीजेपी खुलकर हमलावर है। राहुल के साथ आज दिग्गज कांग्रेस नेताओं की एक पूरी फौज रहेगी। बड़े बड़े वकील रहेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज जा रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राहुल का साथ देने के लिए सूरत जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस की लीगल टीम भी रहेगी। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष सहित राज्य इकाई के बड़े बड़े नेता भी सूरत में रहने वाले हैं। दरअसल आज इसी के बहाने शक्ति प्रदर्शन भी कांग्रेस करने वाली है। इसको लेकर बीजेपी हमलावर भी है। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी सूरत के लिए रवाना होंगे। उससे पहले सोनिया गांधी सरकारी आवास में मिलने के लिए राहुल गांधी से पहुंची थी। राहुल गांधी की कोर्ट में अपील के वक्त सूरत में कांग्रेस नेताओं के जमावड़े पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा है कि राहुल गांधी नेताओं की फौज लेकर सूरत क्यों जा रहे हैं? अपील के वक्त 3-3 मुख्यमंत्रियों का क्या काम है? बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और नेताओं की फौज के साथ कोर्ट जाकर ओबीसी के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। जवाब में कांग्रेस ने कहा है कि गुजरात पाकिस्तान में है क्या कि वहां कांग्रेस नेता नहीं जाए? आज ढोल नगाड़े के साथ, ताम झाम के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? आपको अपील करना था, यह तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आप, हम, हर कोई अपील में जा सकता है। आपको यह अधिकार निचली अदालत ने दिया था और अपील करने के प्रक्रिया में एक ही वकील काफी होता है या आपके एक बैटरी ऑफ वकील जाकर अपील कर सकते हैं किसी कोर्ट में? मगर वकीलों को अलग, वकील तो अलग करेंगे अपना काम, मगर वहां पर हुड़दंग करने की मानसिकता के साथ अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, प्रियंका वाड्रा जी, इन सबको लेके जाके आप क्या करना चाहते हैं? एक तरफ आप लोग ज्ञान दे रहे हैं कि राहुल गांधी को कोर्ट में जाना चाहिए, अगर कोर्ट में जाते हैं तो भी बुरा लगते। गुजरात कोई पाकिस्तान के प्रदेश तो नहीं है, गुजरात शायद हिंदुस्तान का ही कोई प्रदेश है, तो हिंदुस्तान में कहीं जाना आना, इसमें बीजेपी पार्टी की आपत्ति की क्या वजह हो सकते है मुझे पता नहीं। ये जुडिशियरी को ऊपर कोई दबाव बनाने की अगर मनसा रहते तो मोदी और राहुल जी में कोई फर्क नहीं रहते। ये सारे जो तर्क लगाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हास्यास्पद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।